जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है नेशनल कोबरा कैडेट यूट्यूब चैनल में। कल 18 मार्च को आपको मैं वीडियो दे दिया था आईटीबीपी का, जो कि एडमिट कार्ड आया था कॉम्पिटेंट मिनिस्ट्रियल का। आज की वीडियो में जैसे बताया था कि अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा कि उसमें आपको बता दूंगा कि कैसे जाना है, क्या करना है। हालांकि अभी मैं सब सेंटर के बारे में तो बताना पॉसिबल नहीं है, एक या जो है थर्ड बटालियन जो है आपका बरेली में, उसके बारे में बता रहा हूँ। उस वही प्रोसीजर आपका हर जगह फॉलो हो रहा है, ठीक है, सेम प्रोसीजर हर जगह फॉलो हो रहा है। तो आप ध्यान से सुन लीजिए, आप किसी भी सेंटर का हो, आपका कहीं पे भी सेंटर पे गया हो तो यही प्रोसेस होगा। तो आप सबसे पहले सुन लीजिए क्या होगा, ठीक है। कॉम्पिटेंट मिनिस्ट्रियल का मैं पूरा प्रोसीजर लिख करके लाया हूँ पेपर पे, जो वहाँ पे कैंडिडेट गए थे और सेंटर पे गए थे, सब जगह से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया हूँ और उसे कंपाइल करके उसमें का जो है कॉमन आ रहा है कि जो आप सभी लोगों को बताने लायक उसको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या है, सभी लोगों का जो एडमिट कार्ड है उस पर आपका रिपोर्टिंग टाइम 6 बजे लिखा है, ठीक है। तो आपको 6 बजे यानी कि 5 बजे तक, 5 बजे से लाइन लगना शुरू हो जाएगी, 5-6 बजे तक, 5 बजे तक तो आप लाइन में लगा लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका एंट्री होगा, एंट्री होने के बाद का प्रोसेस आप सुन लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद से आपका प्रोसीजर शुरू होगा। अब हर एक सेंटर का आपका अलग अलग क्या है दूरी है, रेलवे स्टेशन से, बस स्टेशन से, जो यह थर्ड बटालियन बरेली का दूरी 7 से 8 किलोमीटर का दूरी मैक्सिमम है। और आपका यही है कि थोड़ा चार्ज ज्यादा ले रहे हैं, 40 रुपए 8 किलोमीटर का ले रहे हैं बरेली में। और आपका कानपुर का, महाराजपुर का आप देख लीजिए, उसके बारे में वीडियो बना दूंगा कैसे पहुंचेंगे, और बरेली का भी बना दूंगा एक नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। बरेली का तो इसी में आपका कवर हो जाएगा, वहां से आप रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर है, बस स्टेशन में वहीं पे, ठीक है, आप समझ जाइए। और रनिंग आप रिपोर्टिंग कर दिए, रिपोर्टिंग करने के बाद आपका क्या होगा, आपको आप अंदर ले जाने के लिए डॉक्यूमेंट चेक होगा, वहां पे आईटीबीपी के जवान रहेंगे, आपका डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, बता देंगे। आप अपना एडमिट कार्ड ले लीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म ले लीजिए, आधार कार्ड, तीन चीज ले लीजिए। तीन चीज लेने के बाद आपको बैग वेगा आपका पूरा साथ में रहेगा, जो जो सामान रहेगा। फिर आपको आगे ले जाने के बाद आपका क्या करेंगे कि 10-10 का ग्रुप बना देंगे। जब 10-10 का ग्रुप बनाएंगे उसमें से ले जाएंगे 10 लोगों को, चलो इधर आ जाओ, अपना बैठ जाओ थोड़े थोड़े दूर दूर पे, ताकि थोड़ा एक दूरी मेंटेन हो जाए जो पीछे वाले कैंडिडेट और ये जो आगे प्रोसीजर वाले कैंडिडेट है। जब दूरी थोड़ा बन जाएगा, 10-10 लोग इस तरह थोड़ा दूर दूर पे ले जाएंगे, तो उनका कपड़ा निकलवाया जाएगा, क्लॉथ जो भी आपको रेडी वेडी होना है आप यहीं पर रेडी हो जाइए, जो भी डॉक्यूमेंट वॉक्यूमेंट रखना उखना है आप रख दीजिए बैग में, लेना है ले लीजिए, ठीक है। वहां पर इंस्ट्रक्शन आपको दे दिए जाएंगे, ब्रीफिंग कर दिया जाएगा आपको अपना, वहीं पे आपको तैयार हो जाना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे तैयार हो जाएंगे तो बोला जाएगा फिर आगे जाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स वहीं पे थोड़ा सा फिर ले चलेंगे आगे। डॉक्यूमेंट्स आप अपना ले लीजिए, जो भी है चेस्ट नंबर मिल जाएगा, और आपको क्या लग जाएगा, चिप लग जाएगा, जो कि RFID होता है, पैर में लग जाएगा चिप, ठीक है। आपको रनिंग में परेशान नहीं होना है, RFID चिप रहेगा उससे पैर में लग जाएगा। और आपको 7.5 मिनट का टाइम है, 7.5 मिनट में 1600 मीटर की दूरी तय करना होगा। और 5 से 6 लोगों का ग्रुप बनेगा, जो कि फिंगर लगेगा, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, 5 से 6 लोगों को फिर उठाएंगे लेकर जाएंगे, फिंगर लगवाएंगे और RFID रजिस्टर होगा। जब RFID रजिस्टर हो जाएगा फिर ब्रीफिंग के लिए फिर दूर ले जाएंगे, फिर वहां बैठाएंगे, फिर बैठाने के बाद आपको वहां पे एक एक करके बुलाएंगे, जो कि कैमरा के सामने एक रहेगा स्कैन करने के लिए, आपका फोटो आएगा, चेस्ट नंबर और RFID उससे स्कैन रहेगा, चेस्ट नंबर के साथ RFID अटैच रहेगा, तो आपका एक तरीके से रजिस्टर हो जाएगा ताकि कोई भी उसमें मिस अप्रोप्रिएशन एम्बेजलमेंट ना हो सके, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। फिर जब इतना हो जाएगा फिर उसके बाद आपको रनिंग के लिए ले चला जाएगा, 25 लोगों को ले चला जाएगा, और 25 लोगों को, 50 लोग एक ग्रुप में रहेंगे रनिंग के लिए। जब 50 लोग एक ग्रुप में हो जाएंगे रनिंग के लिए, 25 लोगों को पहले छोड़ दिया जाएगा लाइन से। अब उसमें मैट लगा रहेगा, मैट को बता दिया जाएगा यहाँ पे मैट है, मैट से जैसे आप जाएंगे तो उसमें से टींग हल्का सा आवाज आता है, ठीक है। तो उससे आपको क्या करना है कि कवर, जब आपका उस पैर जाएगा ऑटोमेटिक आपको घबराने की पैर पड़ेगा कि नहीं, आपका पढ़ना ही पढ़ना है, पड़ जाएगा, इतना चौड़ा मैट रहता है उस पर आपका पैर कोई ना कोई जरूर रखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बता दिया जाएगा रनिंग करने के लिए, जैसे ही आपको बोला गया तो उस मैट के को जैसे ही क्रॉस करेंगे वहां से आप अपना तेज होते जाइए, इसमें भगदड़ उगदड़ नहीं होगा, 50 लोगों में कौन सा भगदड़ होना, उसमें से भी 25-25 को छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना रनिंग को कंप्लीट करिए। जैसे ही रनिंग कंप्लीट होगा उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, ये 7.5 मिनट का टाइम है, 7 मिनट 30 सेकंड का टाइम है, उसमें आपको 1600 मीटर कवर करना है। इतना कवर हो गया, रनिंग क्वालिफाई हो गए, बोलो हाँ रनिंग क्वालिफाई हो गए, ठीक है। रनिंग क्वालिफाई करने के बाद अब आपका क्या, हाई जंप है। हाई जंप में क्या करना है, 3.5 फुट आपको जंप लगाना है, 3 चांस मिलेगा, 3.5 फुट कूदना रहेगा, कूद गए बस, ऐसे ही उसी में 5-5 ग्रुप करके इस तरीके से लेके जाया जाएगा, 3 चांस मिलेगा, 3 चांस में कूदना रहेगा। घर पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, मजाक में मत लीजिएगा, ठीक है।
तो आपका हो गया 3.5 फुट का। फिर उसके बाद लॉन्ग जंप में, लॉन्ग जंप आपका 11 फुट का है, उसमें भी 3 चांस दिए थे। पहले रनिंग हुआ, रनिंग के बाद हाई जंप, हाई जंप के बाद लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप क्लियर हो गया। 11 फुट का आपको कूदना है, लंबी कूद कूदना है। अब इसके बाद आपका क्या होगा, हाइट होगा। इसमें पहले हाइट हो जा रहा है, चेस्ट हो रहा है, वेट हो रहा है, लेकिन तो इसके बाद ही यह होगा, ठीक है। रनिंग सबसे पहले होगा, फिर लॉन्ग जंप, हाई जंप, फिर उसके बाद हाइट, वेट, चेस्ट, 3 चीज होगा आपका, ठीक है। हाइट होगा, चेस्ट होगा, वेट होगा आपका, ठीक है। तो हाइट में आपका 165 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, सब इलेक्ट्रॉनिकली है। आईटीबीपी बरेली का 400 मीटर का ग्राउंड है, जिसका 4 चक्कर आपको लगाना है और बहुत ही अच्छा है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। वहाँ पर ग्राउंड पूरा एकदम वीआईपी है, जो वहाँ से कैंडिडेट आए मैं उनसे पूछ के ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही आप तक पहुँचा रहा हूँ, ठीक है। और बहुत कैंडिडेट पूछेंगे वहाँ पे 3rd बटालियन बरेली में क्या रुकने खाने का व्यवस्था है, नहीं है, अंदर अंदर है, बाहर आप जाएंगे तो ऐसे रोड पे रहेंगे और कंप्यूटर वम्प्यूटर का वहाँ पे शॉप है। फिर उसके बाद आपका हाइट, चेस्ट, वेट हो जाएगा, फिर उसको बिठा करके रखे रहेंगे, फिर बैठ जाइएगा। फिर बैठने के बाद आपको क्या करना है कि क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपको एक पेज पे सिग्नेचर करवाएंगे, पेज जो क्या होगा आपके स्क्रीन पे मैं दे रहा हूँ वैसा मिलेगा, और एक और मिलेगा जो कि आपको एडमिट कार्ड पे जैसा रहता है उसको प्रिंट करके वहाँ पे साइन होके क्वालिफाइड पे आपको घर लेकर के चले आना रहेगा, ठीक है। तो अब आज की वीडियो में इतना ही बता दिया आपको, बोला था कि आपको वीडियो दे दूंगा अभी, तो आपका देखिए कब तक ये वीडियो आ जा रही है, हालांकि आज 19 मार्च वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करूंगा जल्द से जल्द। मिलता हूँ आपसे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर जय हिंद, कोई कमेंट क्वेरी होगा तो आप उसे कमेंट में कर दीजिएगा।